नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत सोनी है और आज मैं एक बहुत गंभीर विषय पे आपसे बात करने वाला हूँ। हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज के बारे में और इससे पूछे जाने वाले कुछ मेन क्वेश्चन जो हर मरीज हमसे आकर के पूछता है, उनको एड्रेस करने के लिए और उनका जवाब जानने के लिए आज हम लोग ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो शूट कर रहे हैं। इस वीडियो के कुछ पार्ट्स रहेंगे क्योंकि सारी प्रॉब्लम जो है या सारे सवाल जो है वो एक ढाई मिनट के वीडियो में कवर नहीं हो सकते, तो प्लीज़ वॉच आउट फॉर मोर वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक। हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको इस इंजरीज के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी और बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब देंगे जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि ये इंजरीज होती क्या हैं, इनका इलाज कैसे होता है और इसका पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला सवाल जो मुझसे बहुत बार मरीज आके पूछते हैं कि सर हमें ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो गई है, पर एक्चुअली में ये ब्रेकियल प्लेक्सस होता क्या है? ये ब्रेकियल प्लेक्सस उन नसों का ताना बाना है जिससे कि हमारा दिमाग हमारे अपर लिम्ब यानी कि हमारे शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हैंड को अपने कंट्रोल में रखता है। इसी ताने बाने की वजह से ना सिर्फ हमें ये पता लगता है कि किस जगह पर छूने से सतह कैसा है, वो गर्म है, ठंडा है, या उस जगह पर हाथ लगाने से हमें कोई चोट पहुंच रही है, तो सेंसेशन जो उंगलियों की हाथ को टच करने की या बाजू को टच करने के कारण जो सेंसेशन जनरेट होती है, ये पहले तो उसको हमारे ब्रेन तक लेकर के जाती हैं ये नसें। दूसरा, उस सेंसेशन के वजह से अगर हमें कोई एक्शन प्रोड्यूस करना है, कोई मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है, तो ब्रेन इन्हीं नसों के द्वारा हमारे हाथ की मूवमेंट या मोशन या जो भी मसल्स की जो मूवमेंट है उसको प्रोड्यूस करता है जिससे कि हाथ वो पर्टिकुलर काम करता है। अब मैंने ये पेन या कलम पकड़ी हुई है, मैं इससे लिखना चाहता हूँ, तो मेरा ब्रेन, मेरा हाथ जो है उसको कंट्रोल करके मुझसे जो मुझे लिखना है, जो मैं सोच रहा हूँ उसको मैं वैसे वैसे राइटिंग में प्रोड्यूस कर सकता हूँ, या कोई भी मोटर एक्शन या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ, चाहे वो भारी एक्टिविटी हो चाहे वो फाइन वर्क हो। ये सारा कंट्रोल ब्रेन के साथ अटैच रहने के लिए ब्रेकियल प्लेक्सेस या उन पांच नसों का इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा वह मेजर सवाल जो सब लोग पूछते हैं कि इसमें चोट किस प्रकार से लग सकती है, या मैं तो मोटरसाइकिल से गिर गया था तो ऐसे कैसे चोट लग गए कि कोई हड्डी नहीं टूटी या कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ बाजू के अंदर, लेकिन फिर भी हाथ जो है वो मेरे अब कंट्रोल में नहीं है, या मैं कोई भी उससे ना काम कर पा रहा हूँ ना छूने का पता लग रहा है। तो आप देखिए कि ये मेजरली पांच नसें हैं जिनको हमने बाय नेम डेजिग्नेट किया है, C5, C6, C7, C8 और T1। ये वर्टिब्रा के जिस मनके के पास से गुजरती हैं उन्हीं नसों का नाम उसके हिसाब से दिया गया है। ये पांचों नसें आगे जाकर के आपस में कई जगह मिलती हैं, कुछ और नई नसों को जन्म देती हैं और थ्रू आउट अपने वे में ये जगह जगह पर आपस में मिलती रहती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बनते रहते हैं। ये सारी नसें जो हैं वो सेंसेशन भी प्रोवाइड करती हैं और ये सारी नसें मूवमेंट भी प्रोवाइड करती हैं। चोट लगने का मेजर कारण हमेशा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट या हाई वेलोसिटी या हाई एनर्जी ट्रॉमा है। फॉर एग्जांपल, ये कार एक्सीडेंट में भी हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोड ऑफ इंजरी होनी चाहिए कि जिसमें आपका सर और आपका शोल्डर जो है वो एक दूसरे से दूर खींचे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोटरसाइकिल से गिरता हूँ, सर ज़मीन पर जा कर के लगता है और कंधा जो है वो भी ज़मीन पर लगता है और मेरा पूरी बॉडी का वेट जो है इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है फोर्स के कारण। उसके अंदर ये नसें बहुत ही महीन होती हैं और इनका खिंचने के कारण इनका डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट किस्म की चोट जो है वो इनको लग सकती है। चोट जो है वो बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी से नस पूरी तरह से खिंच सकती है, या नस अपने कोर्स में, अपने रूट में किसी भी जगह पर जा कर के कट सकती है, टूट सकती है या चिर सकती है, जिसके कारण कि जो उसके आगे की जितनी भी फंक्शन है वो सारी की सारी मोशन, मूवमेंट, सेंसेशन, चाहे मसल्स के मूवमेंट हो, वो सारी इफ़ेक्ट हो जाती है। तीसरा बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या इनका इलाज संभव है? इनका इलाज बिल्कुल 100% संभव है। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडरेशन में लेकर के इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दूसरे सवाल के जवाब में बताया था कि
ये 5 नसों के द्वारा बनता है। मान लीजिए चोट के दौरान आपको इन 5 में से कोई 2 नसें चोटिल हुई हैं, जैसे C5 और C6। अगर ऐसा हुआ है तो हमारी जो सर्जरी जो हम करते हैं इनके लिए, उसके द्वारा हम लोग यही एम करते हैं कि पेशेंट को 90-100% सर्जरी के बाद रिजल्ट जो है वो नॉर्मल बाजू के जितना मसल पावर और सेंसेशन वापस आना चाहिए। मान लीजिए आपकी 3 नसें चोटिल हुई हैं, जैसे C5, 6, 7, तब भी हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 70-80% नॉर्मल के जितना फंक्शन जो है पोस्ट सर्जरी वो अचीव हो जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि 5 नसों में चोट लग जाती है, C5, 6, 7, 8, T1, सारी की सारी चोटिल हो जाती है। ऐसे के अंदर इलाज जो है उसके अंदर शायद 1 सर्जरी से नहीं, किंतु 2 या 3 सर्जरी करने से हम काफ़ी हद तक जो है नॉर्मल फंक्शन उस लिम का वो वापस आ सकता है। साथ में बहुत सारे फैक्टर्स इस पर भी डिपेंड करते हैं कि पेशेंट की एज कितनी है। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो डिपेंड करता है जिस पे ट्रीटमेंट जो है वो है कि आप चोट लगने से कितने दिनों बाद अस्पताल पहुंच गए या हमारे पास में आ गए और आपने ट्रीटमेंट कितनी जल्दी चालू करवा लिया। मेरे ख्याल से ये ट्रीटमेंट जो है वो विद इन 3-4 मंथ्स में जो सर्जरीज हैं वो हो जानी चाहिए, खासकर जिन केसेस में 5 नसें चोटिल हैं, ताकि हम लोग बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स दे सकें। इसका एक सिंपल फार्मूला है, नस जब भी टूटती है या कटती है अगर हम उसका रिपेयर कर भी देते हैं तो उसको अपने उस पॉइंट से ले करके जितना जहां टारगेट एरिया है जहां तक उसको पहुंचना है, मान लीजिए वो 5 सेंटीमीटर का एरिया है, नस जो है वो 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से ही रिकवरी रेट दिखाएगी। तो अगर मान लीजिए हमने उस नस को रिपेयर किया तो उस 5 सेंटीमीटर एरिया को कवर करने में उस नस को एक्चुअली में 50 दिन लगने चाहिए। वो 5 सेंटीमीटर का एरिया 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से कवर करती जाएगी और वो 50 दिनों के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर जो हमें टारगेट अचीव करना था वो हमें मिल जाएगा, चाहे वो मांसपेशी हो, चाहे वो सेंसेशन की नर्व हो, या वो इन दोनों के सेंसेशन और मांसपेशी या मोटर नर्व दोनों की मिक्स टाइप की नर्व हो। अगर पेशेंट यंग है, छोटा बच्चा है, तो उसके अंदर रीजनरेटिंग पावर ज़्यादा है, ज़्यादा चांसेस हैं कि ये रेट जो है वो बिल्कुल 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से ही चलता रहेगा और हम अपना टारगेट जल्दी अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जो कि बुज़ुर्ग हैं, उम्र में ज़्यादा हैं, या फिर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे कि शुगर या हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम्स, हाइपोथायराइड होना मरीज़ों का, या स्मोकिंग की आदत है, या अल्कोहल लेने की आदत है, उनके अंदर ये रेट जो है 1 मिलीमीटर से कुछ कम रेट पर हो सकता है रिकवरी हो और शायद रिकवरी ना भी हो। इसलिए सर्जरी के बाद में इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करना वो बहुत ज़रूरी है। ट्रीटेबल ये ऐसे हैं कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए 2 नसों की चोट है तो हम लोग का एम है कि 90-100% नॉर्मल फंक्शन जैसा पहले था उसका अचीव पेशेंट को डेफिनेटली हो जाना चाहिए। ट्रीटमेंट जो है लेकिन टाइम बाउंड है, अगर हम लोग ये ट्रीटमेंट टाइमली हमारे नसों की सर्जरीज नहीं करते तो 9-12 महीने के बाद नसें जहां मांसपेशियों में जाके एंड करती है उन पॉइंट की डिजेनरेशन या खराबी शुरू हो जाती है, जिसके बाद नसों की सर्जरी करने के बावजूद भी वो मांसपेशियां रिकवर नहीं करती। इसलिए टाइमली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।